Hey guys, this is me, your host, your दोस्त प्रेरणा शर्मा and welcome to my channel. So guys, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही yummy सा starter recipe, जो कि आप किसी भी birthday party में as a starter ले सकते हैं, या कभी कभी आपका मन करे तो घर में ही आपको evening snacks के रूप में आप इसको खा सकते हैं. So चलिए start करते हैं हमारी आज की recipe. So यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 tablespoon मैदा, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर. उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है कॉर्नफ्लावर, तो कॉर्नफ्लावर भी मैंने यहाँ पे लिया है 3 tablespoon. और सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे इसमें ऐड किया है 1 tablespoon राइस फ्लावर. और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं थोड़े से स्पाइसेस. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐड किया है ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च का पाउडर, जो कि मैंने यूज़ किया है यहाँ पे 1/2 tablespoon. थोड़ा सा यहाँ पे मैं डालने जा रही हूँ चिली फ्लेक्स. और गाइस, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं. जितना आपको तीखा चाहिए, जितना स्पाइसी आपको चाहिए, आप उस हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं. अब यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा ओरिगेनो. ओरिगेनो अगेन एज पर योर टेस्ट. और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मिक्स हर्ब, जो कि मैंने लिया है पिज़्ज़ा सीजनिंग का जो मिक्स हर्ब आता है, वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है. अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, और अगर है, जो भी आपके पास इटालियन हर्ब्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप इसमें बिंदास ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो देखिए, यहाँ पे ये मिक्स्ड हर्ब है पिज़्ज़ा सीजनिंग, अराउंड 1 tablespoon मैंने यहाँ पे ऐड किया है. थोड़ा सा हम यहाँ पे डालेंगे ब्लैक सॉल्ट. तो मैं यहाँ पे फ्रेशली क्रश करके ब्लैक सॉल्ट जो है वो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ. आपके पास अगर पाउडर फॉर्म में है तो आप वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं. इसमें हम नॉर्मल सॉल्ट भी डालने वाले हैं, तो अकॉर्डिंगली आप इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करें. गाइस, अब यहाँ पे मैंने ऐड किया है थोड़ा सा अनियन पाउडर, जो कि बहुत इजीली आजकल अवेलेबल है लोकल मार्केट में भी, और अमेजोन में तो ये बहुत आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. सो यहाँ पे मैंने करीबन 1/2 tablespoon अनियन पाउडर भी यूज़ किया है. साथ ही में मैंने यहाँ पे इसमें ऐड किया है 1/2 tablespoon गार्लिक पाउडर. और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 tablespoon सॉल्ट. नॉर्मल सॉल्ट मैंने यहाँ पे इसमें ऐड किया है, और आप चाहे तो पूरा का पूरा नॉर्मल सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, और आप चाहे तो पूरा का पूरा इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू. और अब इसमें मैंने यहाँ पे 1/4 teaspoon ऐड कर दी है रेड चिली पाउडर. और ये मेरा कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, जिसका कलर अच्छे से आता है, बट ये इतना स्पाइसी नहीं होता है. अब इसको हम मिला लेंगे, एक बार मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद इसमें स्लोली स्लोली हम वाटर ऐड करेंगे. और इसका एक थिक स्लरी बनाना है हमें. इसको स्लरी जो बनाना है बिल्कुल भी पतला नहीं करना है. और गाइज, अगर आपको गार्लिक पाउडर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप नॉर्मल गार्लिक को भी थोड़ा सा क्रश करके, या उसको बिल्कुल बारीक सा पीस के आप इसमें ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, और इसका एक स्लरी बना रही हूँ. और हमें जो स्लरी बनाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें थिक चाहिए, बहुत पतली कंसिस्टेंसी उसकी नहीं होनी चाहिए. सो देखिए, यहाँ पे हमारी जो स्लरी वो रेडी है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख पा रहे हैं. सो यहाँ पे मुझे लगा है करीबन 1.5 cup ऑफ वाटर. सो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बेबी कॉर्न फ्रिटर्स. और जो बेबी कॉर्न है वो हमारे आज की रेसिपी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत मेन इंग्रेडिएंट आप इसको बोल सकते हैं. सो यहाँ पे मैंने पूरे बेबी कॉर्न जो हैं वो अच्छे से वॉश कर लिए हैं, और उसको हम अब यू नो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 baby corn का हम 2 parts में उसको कट कर लेंगे. देखिए इस तरह से, और इस तरह से पहले हम सारे बेबी कॉर्न कट करके रख लेंगे. सो यहाँ पे हमारे सारे बेबी कॉर्न्स अच्छे से मैंने इक्वली पार्ट में उनको कट कर लिया है, बीच में से स्लाइटली उनको थोड़ा सा कट दिया है. और यहाँ पे मैंने अपना ग्रिल पैन चढ़ा दिया है, और इस ग्रिल पैन में अब मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, और उसको अच्छे से सब जगह से ग्रीस करने के बाद सारे बेबी कॉर्न हम रख देंगे इसके अंदर. और इसको हम जस्ट सौते करेंगे, थोड़ा सा इसको कड़क करना है, थोड़ा सा इसको स्टिफ करना है बेबी कॉर्न को इसके लिए, और ताकि अंदर तक इनमें जो क्रंचीनेस है वो आ पाए. गाइस, वन मोर थिंग, मैंने सारे बेबी कॉर्न को ऑलरेडी 10 minutes के लिए पहले बॉईल कर लिया है, ताकि उनमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे. और दिस इज़ द रीज़न कि वो थोड़े से नो लूज़ हो गए, तो उनको थोड़ा सा टाइट करना है, ताकि उनमें से थोड़ा सा कड़कपन आ पाए, थोड़े से क्रिस्पी बन पाए. सो देखिए, एक तरफ से हमारे अच्छे से सिक गए हैं, अच्छे से सौते हो गए हैं. अब इनको हम कर देंगे टर्न, ताकि दूसरी साइड से भी वो अच्छे से
सिक जाए। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा सेक रही हूँ ब्रेड का चूरा यानी कि ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पे मैंने लिया है मल्टीग्रेन ब्रेड, आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं या व्हीट ब्रेड भी ले सकते हैं। और इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के थोड़ा ग्राइंड कर लिया है। ये मेरे पास 4 to 5 पीसेस ऑफ ब्रेड मैंने लिए हैं और इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। इसमें किसी तरह से घी या कोई ऑयल हमें ऐड नहीं करना है, जस्ट पैन में ऐसे ही डालना है और उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। और जब तक कि ये थोड़ा रवे के ऐसा सूजी के ऐसा कड़क ना बन जाए और थोड़ा सा रोस्ट ना हो जाए, ताकि इसका जो हम यूज़ करेंगे एज अ टेक्सचर हम यूज़ करने वाले हैं तो थोड़ा सा क्रिस्पी सा इसका टेक्सचर आए और इसकी जो कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो भी अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे हमारे बेबी कॉर्न अच्छे से सिक चुके हैं और एक पैन में हम चढ़ा देंगे थोड़ा सा तेल और उसको कर लेंगे गरम। सो हमारा तेल जो है अच्छे से गरम हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमने जो बेबी कॉर्न के पीसेस कट करके रखे थे उसे हमें डालना है हमारी इस स्लरी में जो कि हमने थोड़ी देर पहले रेडी की थी। उस स्लरी में हम बेबी कॉर्न डालेंगे, उसको अच्छे से कवर करेंगे एंड देन उसको हम कवर करेंगे, एक कोट करेंगे उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स का जो कि हमने ड्राई रोस्ट करके लिए हैं एंड देन उसको हम डीप फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे डीप फ्राई ही करने वाली हूँ क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं वो डीप फ्राई ही अच्छी लगते हैं, लाइक पकौड़ाज। सो इसलिए ये भी एक हमारा पकौड़े का ही फॉर्म है, सो डेफिनेटली मैं इसको डीप फ्राई ही करूँगी। तो इसी तरह से हम हमारे सारे फ्रिटर्स अच्छे से डीप फ्राई करके निकाल लेंगे और बहुत ज़्यादा टाइम इनमें बिल्कुल भी नहीं लगता है। और देखिए यहाँ पे हमारे फ्रिटर्स जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से हम हमारे सारे फ्रिटर्स तैयार कर लेंगे और फिर करेंगे इसकी प्लेटिंग। सो गाइज यहाँ पे हमारे फ्रिटर्स सारे रेडी हो गए हैं, हमारी प्लेट भी रेडी हो चुकी है। देखिए मैंने इसको सर्व किया है 3-3 चीज़ों के साथ, लाइक मैंने इसके साथ एक चीज़ी डिप भी रेडी किया है, मेयोनीज़ का मैंने बनाया है, उसमें थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकल किया है चिली फ्लेक्स। साथ ही में मैंने यहाँ पे लिया है पेरी पेरी सॉस। अगर आपके पास नहीं हो पेरी पेरी सॉस तो आप नॉर्मल केचप भी ले सकते हैं या शेजवान चटनी भी आप ले सकते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पे लिया है एज अ डिप हमारा ग्रीन चटनी जो कि वर्ल्ड फेमस, हमारी सबकी फेवरेट होती है। और बस इसी के साथ मैंने हमारी प्लेटिंग जो आज रेडी की है। आई होप आप सभी को ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी जो कि है हमारी इंडो वेस्टर्न पकौड़े, जिसको आप बोल सकते हैं बेबी कॉर्न फ्रिटर्स। सो बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ जिससे कि वो भी हमारी इस प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन पाए। सो बस दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज रेसिपी। आपको मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।